500 साल पुरानी मम्मी। तो चलते हैं भाई मम्मी को देखने के लिए। वेलकम द्वार, व्यू ग्लेज, वेलकम मम्मी। रोड 1 किलोमीटर, फिर में इंसान देखने को मिले हैं। देख लो, चाइना को कैच कर रहा अपना मोबाइल। ग्लेशियर फायर और सामने मॉनेस्ट्री देखो यार। गिव जाने के लिए सीधा राइट हैंड पे जाना पड़ेगा। यह है मम्मी ग्यू टेम्पल, 500 साल पुरानी मम्मी। गजब यार, बरसा शालिका ग्यू नाला। तो चलते हैं भाई मम्मी को देखने के लिए। ऐसा कुछ गेट है, आप देख लें, वेलकम द्वार ग्यू विलेज। तो अब हम जा रहे हैं ग्यू विलेज, फिर यहीं से लौट कर आना होगा हमें, पर आ जाएंगे। और 22 मिनट लगने वाले हमको जाने में, 22 मिनट ही आने में। तो चलाते हैं अपनी बाइक को, ब्लैक पैंथर को। और रोड डली हुई है अच्छी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर जरूर ऊपर से आते ही रहते हैं, ये देखो नीचे पड़े हुए हैं। अब ये ग्यू के पास से ग्यू नाला बह रहा है भाई। और ये रोड जो डली हुई है पक्की तो है, पर उबड़ खाबड़ टाइप से डाल दी, दच के लग रहा है इसमें तो। आधार रास्ता नहीं है, भूतिया टाइप से रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। पास में नाला बह रहा है, ऊपर से पहाड़ साइड में, कब पत्थर गिर जाए पता ही नहीं। पूरा देखो भूतिया टाइप से, काले पहाड़ और सामने ये देखो। मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताओ यार। तो मज़ा आ रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट्स तो करो यार, कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, कमी लग रही हो, बिल्कुल बोलो यार। वाकई बहुत मज़ा आ रहा है यार ऐसी जगह बाइक चलाने का जहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक। ऐसा ना हो वहाँ पे पहुँचूँ तो सिर्फ अकेली मम्मी मिले मुझे, मम्मी और मैं। मम्मी, 500 साल पुरानी मम्मी और अभिषेक। इस नाले में मिट्टी बहुत, मतलब पानी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी मिक्स है यार, बहुत गंदा पानी है। आप देखो भाई, पहाड़ों का पानी तो एकदम साफ होता है नीला, पर यहाँ मुझे पानी साफ कहीं भी नहीं दिखा अभी तक। रास्ता भी यार बहुत टेढ़ा मेढ़ा और बहुत छोटा सा, और सामने शायद व्यू नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन अभी यहाँ से दूरी तो 5.9 किलोमीटर बता रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा और आगे होगा। और ये देखो व्यू ज़रूर अच्छा आ रहा है। हम मम्मी देखने जा रहे हैं यार, बहुत मतलब पहले फिल्में चलती थी ना हॉलीवुड की, फिल्मों में देखी थी मैंने, और फिर प्रामिस के प्रामिड मम्मी, ये चीज़ें मतलब ख्वाब जैसी हैं मेरे लिए। तो अब देखते भाई हमको मम्मी मिलती है कि नहीं वहाँ पर। 500 साल कैसे रखा हुआ यार संभाल के, 500 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, कितनी पीढ़ियाँ बदल जाती हैं 500 साल में। तो अभी तो और चलना है हमें। बचा हुआ है यार, ओहो लकड़ी का पुल नीचे कितना प्यारा। और सामने बस एक जिप्सी जा रही है मेरे, यही एक गाड़ी दिखी है मुझे पूरे रास्ते। अभी भी 15 मिनट लगेंगे हमको, 5 किलोमीटर बता रहा है। प्रकार का नेटवर्क नहीं है तो मैप तो मेरा बंद हो गया है, और सामने को ही दिख रही है मोनेस्ट्री, शायद आपको कैमरे में दिख रही है वो चाहे नहीं, पर मुझे दिख रही है वो सामने रेड कलर की जिप्सी के ऊपर। अब देखो तो वहाँ तक चलना है हमको, तो 1 किलोमीटर के समथिंग ही होगा, ज़्यादा नहीं है। व्यू तो बहुत ही प्यार आ रहा है यार, व्यू बहुत मतलब चौड़े इलाके में फैला हुआ है, और वो सामने रही मोनेस्ट्री यार, बस पहुँचने वाले, बहुत चढ़ना पड़ेगा रे ऊपर, जीने हैं। अरे यार, फिर में इंसान देखने को मिले हैं, देख लो मैंने पूरे रास्ता इंसान ही नहीं देखे। व्यू ज़ीरो, हम व्यू पहुंच चुके हैं, बहुत ही शांत है व्यू। देखो यार कोई नहीं दिख रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है यहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता है। डांगर, नहीं, 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 नहीं।
से जाएंगे हम, फिर तो कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, यही है यहीं से चलते हैं। राजकीय प्राथमिक पाठशाला ग्यू, वहाँ पहुँचना है हमको। वेलकम मम्मी, रोड 1 किलोमीटर। हाँ, तो अभी हमको 1 किलोमीटर और ऊपर जाना है यहाँ से। तो ये देखो भाई, ग्यू गांव कैसे घर बने हुए हैं। ये बहुत धर्म को मानते हैं ये लोग, और बहुत ही अलग प्रकार से घर बने हुए हैं इनके। ये देखो, भी है यहाँ पे। वो देखो यार, आप वहाँ पे जाना है ऊपर, दिख रही थी वो तो पीछे ही रह गई, मैं तो और आगे को बढ़ता चला जा रहा हूँ, मॉनेस्ट्री पीछे रह गई। अच्छा, यहाँ से घूम के रास्ता होगा। तो पहुँचने ही वाले हैं हम बस, क्योंकि लोग कुछ बनाते हैं। देखो नीचे ड्रैगन बनी हुई है और इसका भी कार चल रहा है, खाना खाने के लिए भी है यहाँ पे व्यवस्था। और टुडे स्पेशल कॉफी, जो यहाँ से है ऊपर जाने का रास्ता रेस्टोरेंट में। वेलकम टिकट काउंटर, रेट 30 रुपये और पर पर्सन, थैंक्स फॉर द। तो यहाँ तो मुझे 30 रुपये लेने वाला कोई दिख ही नहीं रहा भाई, स्टॉप कहाँ है। तो वही ऐसे कोई 30 रुपये का टिकट भी है यहाँ पे, पर कोई था नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हुआ, वाह यार क्या व्यू आया ग्लेशियर का यार, सामने देखो यार क्या प्यारा वाला व्यू, मज़ा आ गया यार। बादलों का एकदम खुला मौसम और सामने मॉनेस्ट्री देखो यार, गजब यार गजब, मज़ा आ गया कसम से। तो बाइक को यहीं पे लगाते हैं हम, यहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे लगाएं बाइक को, कहाँ से जाएं, उस साइड को चलते हैं। चलो ब्लैक पैंथर को यहाँ खड़ा करते हैं। मम्मी के बारे में मूवी और सूज, तो क्या मम्मी इसमें है क्या? मजा सड़गा तनेज मम्मी बहुत भिक्षु थे, सड़गा तनेज मम्मी का खोज भूकंप के कारण हुआ था। वहाँ 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया। 1981 में भारत के तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, उसी खुदाई के समय उनका खोज हुआ, मतलब 1981 में। सन 2002 में USA के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव में आए। उन्होंने कार्बन 4 डेटिंग से यह पता लगाया कि यह है कि वह सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आश्रम में थे, और उनके शरीर पर सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रासायनिक प्रयोग नहीं किया गया और वो सुरक्षित थे। बहुत देर में बंदे देखे हैं भाई पर्सन। मम्मी इसमें है कि ऊपर है, इधर है, और ये क्या है? अच्छा अभी ओपन नहीं है ये? ओपन तो है ना, अभी काम चला है। अच्छा ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब गांव वालों के सहयोग से ही बन रही है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं ग्यू में, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 500 साल पुरानी मम्मी। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहां का व्यू। तो ये है मॉनेस्ट्री जो अभी अनकम्प्लीट, इसका काम चल रहा है। ऊपर को चलेंगे हम, और सामने देखिए हिमालय का प्यारा वाला व्यू आ रहा है। और अभी इन्होंने बताया कि, क्या नाम है आपका? हाँ, तो अभी खुशी ने मुझे बताया कि
स्थानीय लोगों के सहयोग से ही पूरी मॉनेस्ट्री का काम चल रहा है और गवर्नमेंट का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। यहाँ पे तो धीरे धीरे बन रही है, बनी जाएगी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह मम्मी जो 500 साल पुरानी है और 1430 ईस्वी से तपस्या के आश्रम में थे। तो ये देखिए यार, जी ये आप देखिए, मतलब अभी भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पूरे दांत दिख रहे हैं, पूरे मतलब आंखें सब कुछ बचा हुआ है और 500 साल पुरानी है ये मम्मी। तो 1430 ईस्वी की ये मम्मी है, तो ये अपने आप में एक अजूबा है कि 500 साल पुरानी मम्मी को अभी तक इतने अच्छे से रखा गया है, इस पर किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। आप देख लें मम्मी के पूरे दांत दिख रहे हैं, कान आंखें सही सलामत है, पूरी खाल हाथ देखें तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। अभी आपको करिश्मा ही कहेंगे हम कि अभी भी ये मम्मी इतने अच्छे हालात में। दिलचस्प लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है कि 500 साल पुरानी मैंने मम्मी फिल्मों में देखी थी, ओरिजिनल में कभी नहीं देखी थी। तो गजब वाली फीलिंग्स आ रही है और गजब का एहसास हो रहा है कि मैं मम्मी के सामने बैठा हुआ। ये देखिए यार, और आपको मैं साइड से भी दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए बौद्ध की प्रतिमा रखी हुई है और यहाँ पे दलाई लामा का पिक भी लगा हुआ है। ऊपर से भी एक बार दिखा देता हूँ, तो अजीब सी ही फीलिंग आ रही है। तो मम्मी के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए दिव्य ज्योति भी जल रही है, यहाँ पर दिव्य ज्योति भी जल रही है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मॉनेस्ट्री, ये देखिए। तो चलते हैं ऊपर की ओर, और ये खड़ा है हमारा ब्लैक पैंथर। और सामने ग्लेशियर का व्यू, तो ऐसी कोई मॉनेस्ट्री है ये, देखें यार। कैसे खतरनाक बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो अभी अंदर जाने का कुछ है नहीं, ऊपर को चलते। तो ये देखिए अभी ये मॉनेस्ट्री तैयार हो रही है, तैयार नहीं हुई है अभी, यहाँ का काम चल रहा है। और बोध भिक्षु किसी को गोद में बिठाए हुए हैं, तो अभी ये काम चल रहा है यहाँ पर। बाकी सामने का नज़ारा ले लें यार, बहुत ही प्यारा वाला व्यू आ रहा है। पर एक बात आपसे कहूँगा यार, धर्म कहीं ना कहीं तो है, 500 साल ईश्वर कहीं ना कहीं है। 500 साल कोई भी मानव शरीर किस तरह से, मतलब कुछ भी खराब नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बस अभी की हो। तो कुछ तो चमत्कार है, ईश्वरीय शक्ति है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी शानदार वाला व्यू, अभी हम व्यू में, और अब निकलते हैं हम व्यू से और पहुंचते हैं काजा। अब यहाँ पर दो गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले मैं अकेला था, तो मेरी ब्लैक पैंथर देखो नीचे को, मेरी ब्लैक पैंथर खड़ी हुई है, और सामने जो नीचे जो बना हुआ है इसमें है मम्मी। इसके बाद यह ऐसा कुछ व्यू आ रहा है यहाँ का, इतनी ही।
ग्यु मॉनेस्ट्री से चीन की कुल दूरी 2.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि मेरा आईफोन 7:32 क्यों बता रहा है और घड़ी में अभी हो रहे हैं 5:00। ये देखो, देख रहा होगा आपको पानी की बात भी। तो अभी भैया ने बताया, शेयरिंग भैया ने बताया कि आपका मोबाइल चाइना का टाइम पकड़ रहा है। ऐसा क्यों है यहाँ पे? और चाइना पास है इसलिए, चाइना यहाँ से पास इसलिए है, चाइना का इसने टाइम पकड़ लिया है। कितनी बड़ी बात है यार, मतलब मैं चीन के कवरेज में हूँ अभी। ये हमारे शेयरिंग भाई, और तो गजब की बात लगी भाई कि अभी मैं चीन के कवरेज में हूँ और मेरा मोबाइल बता रहा है 7:32 संडे 7 अगस्त। ये देखो यार, और एंड्रॉयड मोबाइल नहीं बताते, आईफोन 12 और आईफोन ही बताता है चाइना। अच्छा कुछ आईफोन बताते हैं। तो भाई एक नई चीज़, नया एक्सपीरियंस मिला मुझे ये। तो अब निकल रहे हैं हम ग्यु मॉनेस्ट्री से, और एक बार फिर देखो यार मेरे मोबाइल में, आप मुझे बड़ा अचम्मा लग रहा है, 7:39 बता रहा है यार, चाइना को कैच कर रहा है अपना मोबाइल। गजब, कहाँ पे ले आया अभिषेक आपको? और घड़ी बता रही है भाई 5:10। और जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो मुझे ये लग रहा था मेरी घड़ी में पानी भर गया है, तो घड़ी ख़राब हो गई है, आगे पीछे हो गई है, और मैं इसका टाइमिंग सही कर रहा। फिर मुझे ऊपर शेयरिंग भाई ने बताया कि नहीं, घड़ी आपकी सही है, मोबाइल आपका चाइना का टाइम कैच कर रहा है। क्या ये लो, हाँ चलो बाय। दोस्तों अभी हूँ मैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप पर, हाईएस्ट जो कि 12,270 फीट